राजगीर में बहुत बड़ा अमीर परिवार का तीन भाई था, तीनों काश्यप परिवार का है, काश्यप फैमिली का तीनों भाई। तो तीनों भाई बात आपस में बात करने लगा। भाई ब्राह्मण परिवार के तीनों भाई, हम लोग देखो हम लोग के पास सारे सुख संपत्ति हैं, धन का कोई कमी नहीं है, ऐसे भी तो हम लोग ब्राह्मण परिवार के भी हैं, लेकिन हम लोग का सारे सौभाग्य है, फिर भी मुझे ये सौभाग्य का सफल नहीं दिखाई देता है। ये धन से आज तक मुझे क्या मिला, तुमको क्या मिला? हमारे पास परिवार बाल बच्चे सब कुछ है, लेकिन हमारे पास शांति नहीं है, हम लोग का मन हमेशा भटकते रहता है, क्या तो कुछ कमी दिख रहा है। ऐसे करके मैंने को बताया, भैया आप क्या करना चाहते हैं? तो उर्वेल काश्यप ने बताया, मैं चाहता हूँ घर द्वार त्याग करके शांति खोजना चाहता हूँ। तो ठीक है, हम लोग भी आएंगे। ऐसे करके बहुत लाखों लाख लोगों को अपना संपत्ति सब दान दे दिया, जमीन जायदाद सब दान दे करके तीनों निकल पड़ा। उनके साथ साथ बड़ा भैया के साथ 500 लोग आ गए, अकेले लोग, छोटा भाई के साथ मंजला भाई के साथ 300 लोग आ गया, छोटा भाई के साथ 200 लोग, सब मिलके 1003 लोग हैं। उन लोग सब इधर एरिया में आ गया। आ करके उर्वेल काश्यप सोचा, हमको ये जगह जैसे करके ये एरिया चुन लिया है, वो जो मंदिर है ना उस एरिया चुन लिया, हमको ये एरिया अच्छा है। तो गया काश्यप चुन लिया विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर जहाँ है वहाँ मेरे लिए अच्छा, उस समय जंगल था, नदी के किनारे था, वहाँ मेरे लिए अच्छा है। नदी का सिर्फ चुन लिया, सरस्वती मंदिर है ना, सरस्वती मंदिर मंजरा भाई नदी काश्यप वो चुन लिया सरस्वती मंदिर के पास, गया काश्यप गया चुन लिया है, क्योंकि गया काश्यप के नाम से गया नाम आ गया है। तो गया काश्यप विष्णुपद मंदिर की जगह चुन लिया। इसके बाद क्या हुआ, सभी लोग पूरा फेमस हो गया, यज्ञ वगैरह करने लगा। तब भगवान बुद्ध जी देखें बताएं, 59 बनते जी लोग को आप लोग नगर निगम चल जाइए, हम जाएंगे उर्वेला में, मुझे वहाँ कुछ काम है, विशेष किसी से मिलना है। उर्वेल काश्यप पूरा फेमस, पूरे मगध में हर जगह फेमस है, भगवान बुद्ध जी फेमस है उसी प्रकार उर्वेल काश्यप भी फेमस है, ना ठक्कर है वैसे बराबर जैसा सभी लोग की इज्जत करता है। तो उर्वेल काश्यप इधर आ गया, आने के बाद आसमान से यहाँ तक आकर के यहाँ से पैदल आने लगा। आने के बाद एक श्रमण आ रहा है, हाँ कैसे हैं, हाँ ठीक है आपके, हम भी ठीक है, बहुत दूर से, हाँ हम वाराणसी से आए, हमको इधर एक दिन रुकना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ रुकने का कोई जगह नहीं है, सारे कुटिया भरा हुआ है, हर एक कुटिया में मेरे 6 लोग हैं, रहने का कोई जगह है ही नहीं, नहीं कोई ना कोई जगह तो होगा आपके पास, ऐसा तो कोई जगह, लेकिन एक गुफा है, वो गुफा में हम आपको रहने नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो गुफा में बहुत खतरनाक सांप है, जहरीला सांप तथा वो दिव्य सांप है, वो बहुत गुस्सा करने वाला है, उसके साथ कोई नहीं रह सकता है। नहीं कोई बात नहीं, आपके अगर आपका अनुमति है तो हम वहाँ रह सकते हैं। क्या करें, ठीक है छोड़ दो, रही अब क्या करें। फिर से बताए, लेकिन और एक बार सोचिए श्रमण गौतम जी, उधर बहुत बड़ा खतरनाक सांप, वो छोटा मोटा सांप नहीं है, डेंजरस है। ऐसे फिर भी भगवान बुद्ध गुफा के अंदर गया, अंदर जाके बैठ गया, सांप ऊपर से गुफा के ऊपर से आ गया, आने में देख लिया, अरे मेरा कुटिया में आकर के ये बैठ गया, ये कौन है, ये तो छोटा मोटा दिखता नहीं, थोड़ा ताकतवर दिखता है, इसीलिए इसको हम सबसे पहले बहुत बड़ा फन निकाल के डरा के भगा दूंगा। फन निकाल के डराया, भगवान मुस्कुराने लगा। फिर क्या किया, डरा तो नहीं, सबसे अच्छा है हम अपना मुंह से विष धुआं निकाल दूंगा। विष धुआं निकालते ही या तो फिर भाग जाएगा या मर जाएगा, दोनों से कुछ ना कुछ होगा। फिर सांप पूरा धुआं निकलने लगा, पूरा कुटिया भर के बाहर धुआं फेंक रहा है, सभी लोग सोच के विष धुआं निकालना शुरू किया, सभी लोग अपना मुंह बंद करके
अपना अपना कुटिया में चला गया बेचारा श्रवण गौतम जी मर गए। ऐसे बोल के भगवान बुद्ध क्या किया, अपने से दुआ निकलने लगा। भगवान बुद्ध दुआ से उस नाग को चक्कर आने लगा। इसके बाद नाग और गुस्सा हो गया, गुस्सा होके पूरा शरीर का हर एक जगह से नहीं मुंह से आग निकालने लगा, पूरा आग अभी कुटिया लहर रहा है। भगवान बुद्ध अपना पूरा हर एक शरीर का बाल बाल से आग की धारा निकालने लगा। निकालते निकालते सुबह होते होते सब शांत हैं, सभी लोग आग देख लिया, दुआ देख लिया। उर्वल काश्यप बताया, देखो आयुष्मान तुम लोग जा कर के उधर लकड़ी तैयार करो, तो नदी में श्रीमन गौतम का अंतिम संस्कार करना है, चलो करके कुटिया के पास खड़ा है। फिर भगवान बुद्ध बाहर आ गया, हैं जिंदा है कैसे हो गया? इसके गिरे पात्र से सांप निकाल, ये आपका सांप है ये ले जाइए, ऐसे करके छोड़ दिया। फिर सांप चला गया जंगल में। फिर उर्वल काश्यप ने सोचा सचमुच में ये तो ताकतवर, मुझसे ज़्यादा ताकतवर, लेकिन ये अरहंत नहीं है, मैं अरहंत हूँ ये अरहंत नहीं है। भगवान को देख लिया मन, अरे मूर्ख इसको अभी तक नहीं समझा। इसके बाद और इसमें गुफा मतलब खुटिया जैसा था, गुफा नहीं। इसके बाद ये काश्यप ने सोचा हम इसका ताकत को देख लिया, लेकिन हम दिखाऊंगा नहीं इसका ताकत देख लिया है, ऐसे रहूंगा नहीं तो मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा, हम तो इतना बड़ा आदमी है। भगवान उसका मन देख लिया। तब काश्यप ने बताया आप इधर ही रहिए, हम लोग हमेशा भोजन की व्यवस्था करेंगे। उसी दिन रात में चार महान देवताओं यानी कि विरुद्ध विरूपाक्ष धृतराष्ट्र वायुसेवन चार महान देवताओं पूरे इसी एरिया प्रकाश करके उधर भगवान बुद्ध कुटिया पे आ गया। आ करके आने के बाद पूरा नमन करके प्रदक्षिणा करके चले गए। ये देख लिया कौन, उर्वल काश्यप। देखने के बाद सोचा क्या आश्चर्य है, हर दिशा चमक गया। इसके बाद उस सुबह जाके बताया श्रवण गौतम जी भोजन तैयार हैं, लेकिन हम एक आपसे कुछ पूछना, कल रात इधर चमक रहा था क्यों, ये इधर कोई आया जैसा देख हमको लगा। बताए काश्यप वो चार महान देवता आ करके मेरे पास आ गया। आपके पास क्यों सर चार महान देवता आता है? मेरे पास इसीलिए आता है ज्ञान सुनने के लिए, ऐसा है तो ये सोचने लगा इस श्रवण गौतम से ज्ञान सुनने के लिए देवताओं भी आता है, ऐसा है तो ये श्रवण गौतम कोई छोटा मोटा नहीं, महायुद्धिमान है, महान भाव संपन्न है, लेकिन मेरे जैसा अरहंत नहीं है। कितना भी महानुभाव हो लेकिन मैं हूँ अरहंत, ये अरहंत नहीं है। उस दिन रात में पिछले दिन रात से ज्यादा बहुत बड़ा प्रकाश आ गया भगवान बुद्ध कुटिया के पास। वो हैं देवताओं की राजा देवराज इंद्र, बहुत चमकते चमकते भगवान बुद्ध के पास आ गया। उर्वल काश्यप ये देख ले क्या आश्चर्य हो रहा है, ये तो कल रात के प्रकाश से भी ज़्यादा बढ़कर है। दूसरे दिन भोजन के निमंत्रण के लिए गया, चलिए भोजन तैयार है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, कल रात तो बहुत बड़ा प्रकाश आ गया वो क्या था? वो और कोई नहीं है, वो देवराज इंद्र है। तो देवराज इंद्र वो तो देवलोक का मुखिया है, वो आपके पास क्यों आया? काश्यप मेरे पास इसीलिए आया कुछ ज्ञान सुन करके मन प्रसन्न करने के लिए, और कोई कारण के लिए नहीं आया। ऐसा है तो ये सोच रहा था, ऐसा है तो देवलोक का मालिक देवराज इंद्र जी भी
इनसे ज्ञान सुनने के लिए आता है। इसे तो ये श्रवण गौतम छोटा मोटा नहीं, महारिद्धिमान है, महानुभाव संपन्न है। लेकिन ये अरहंत नहीं, मैं हूँ अरहंत। ये कुछ ना रिद्धि सिद्धि दिखाए फिर भी मैं हूँ अरहंत या अरहंत नहीं। उसी दिन रात में पिछले रात से भी ज्यादा पूरा एरिया, पूरे बोध गया एरिया, पूरा जिला प्रकाश में होने लगा। उसी दिन इंद्र जी का आलोक से भी ज्यादा बढ़कर एक आलोक आ गया, वो है सहम्पति ब्रह्मराज, यानी कि मेन महाब्रह्म जी उसी दिन आ गया। इसका देख रहा था, है इतना सारा बड़ा प्रकाश हम कभी नहीं देखा, एकदम सूरज उग गया जैसा, एकदम सूरज लगता है गिर गया उनका कुटिया के अंदर। फिर दूसरे दिन भी आकर के भोजन के निमंत्रण किया, चलिए। लेकिन हम कुछ पूछना था, मैं कल रात सबसे बड़ा आलोक आ गया, वो क्या था? बताया काश्यप, वो आप देखे हैं सहम्पति महाब्रह्मराज को देखे हैं, और कोई नहीं। महाब्रह्म आप नमन किए थे उनको, मेरे नाम से प्रदक्षिणा किए हैं उनको? पता है, नहीं, हमें नमन करने के लिए आया। आपको नमन करने के लिए क्यों आया? वो तो सबसे बढ़कर है, पूरे हम से भी बढ़कर। तो नहीं, वो प्रवचन सुनकर मेरे साथ धर्म की चर्चा करके कुछ कारण जानने के लिए आया है, आकर के वो प्रसन्न होकर चले गए। फिर सोचने लगा, ये श्रवण गौतम से प्रवचन सुनने के लिए सहम्पति ब्रह्मराज भी आता है, ऐसा है तो ये श्रवण गौतम कोई छोटा मोटा नहीं है, महारिद्धिमान है, महानुभाव संपन्न है। लेकिन मैं हूँ अरहंत, ये अरहंत नहीं है। फिर ये एक पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा था, कल मेरे आश्रम में बहुत बड़ा यज्ञ है, उसी यज्ञ के लिए अंग मगध दोनों देश के लोग बहुत सारे गिफ्ट, इनाम, भोजन वगैरह लेके आता है, बहुत सारे लाभ सत्कार यश कीर्ति प्राप्त होता है। लेकिन ये श्रवण महाश्रवण गौतम भी उसी तरफ में है जहाँ यज्ञ करना है। अगर कल सबके सामने आकर के श्रवण गौतम कोई रिद्धि दिखाया तो यज्ञ में आने वाले सारे लोग मुझको छोड़ के इनके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे हो गया तो मेरा लाभ सत्कार सब घट जाएगा, इनको सारे लाभ सत्कार यश कीर्ति प्राप्त हो जाएगा, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर कल श्रवण गौतम नहीं आया तो अच्छा है। भगवान बुद्ध जी उनका मन देख लिया। उसी दिन उर्वर काश्यप का आश्रम में नहीं आया, उसी दिन चले गए उत्तर कुरु देश में चले गए। उत्तर कुरु में कौन है? वायसराय देवराज है ना, वहाँ है अनोतत्तविल, मतलब मानसरोवर में जाके वहाँ जंगल में रह के वापस आ गए। उसी दिन वो श्रीलंका भगवान बुद्ध चले गए। उसी दिन वो गैप एक दिन था ना, उसी दिन श्रीलंका चले गए, वो ऐसा पूर्णिमा दिन था। फिर सोचने लगा, बहुत अच्छा हुआ आज श्रवण गौतम नहीं आया, मेरा इज्जत बच गया, जाएंगे आज भोजन के निमंत्रण करेंगे। पूछा, आप कल रात भोजन के लिए आया क्यों, कल भोजन के लिए आया क्यों नहीं? हम लोग पूरा इंतजार किए थे, बहुत सारे खाना बच गया, सब फेंक दिया है, हम बहुत आशा था आप आने के बारे में। हम आपका भाग अलग से रख दिया है, आप क्या आने तक, आप आया कहाँ गए थे कल? काश्यप, अभी आप ऐसा बोल रहा है, जब यज्ञ के पहले दिन आप कैसे सोच रहे थे कल मेरे आश्रम बहुत बड़ा यज्ञ है, श्रवण गौतम कोई रिद्धि दिखाया तो सभी लोग फंस जाएंगे, तो मेरा लाभ सत्कार कम जाएगी, इसलिए कल नहीं आया तो अच्छा है, सोचा कि नहीं? इसीलिए मैंने क्या किया,
उत्तर कुरु देश में चले गए, जा करके मान सरोवर के पास भोजन करके वहाँ जंगल में ध्यान करके आए हैं। फिर सोच लगा, ये सोहन को तो वो दूसरों का मन भी पढ़ सकता है, जो सोचता वो बता सकता है। ऐसा है तो जरूर ये श्रवण गौतम तो कोई छोटा मोटा नहीं है, थोड़ा बढ़कर है, महान है। इसके बाद क्या कहा था कम बताएं? हाँ, फिर सोचा दूसरों का मन भी पढ़ सकता है, ये तो सचमुच में रिद्धिमान है, लेकिन मेरे जैसा अरहंत नहीं है। फिर भगवान बुद्ध भोजन करके चले गए। भगवान बुद्ध को मिला एक वस्त्र। भगवान सोच रहे थे, हमारे पास एक वस्त्र है, हम कहाँ ये वस्त्र धोएंगे? तुरंत भगवान बुद्ध की मान पढ़ लिया इंद्रजी। इंद्रजी तुरंत आकर के अपने हाथ से जमीन खोद दिया, खोद के एक पोखर बनाया। पोखर बना के भगवान बुद्ध जी के पास गया, जा कर के बताया, हम एक पोखर बना लिया मेरे हाथ से, वो वस्त्र हमें दे दीजिए। फिर सोचा ये नहीं, वस्त्र उधर धो सकता है। फिर भगवान ने सोचा, किसके ऊपर रख के हम धोएंगे? जमीन नीचे रख दिया तो बालू लग जाएगा। फिर इंद्र जी वो विचार देख लिया, देख के तुरंत क्या किया, एक पत्थर ला के रख दिया। फिर उसी काला पत्थर पे भगवान बुद्ध अब वस्त्र धोया है। फिर सोच रहे थे, हम पोखर उतर गया, कैसे पोखर से ऊपर जाएंगे अभी? इसके बाद पेड़ के नीचे इंद्र जी बैठे हुए थे, आकर के भगवान बुद्ध को ऊपर आने के लिए उस बगल में एक पेड़ को झुका दिया। इसके बाद अभी तो ये वस्त्र पवित्र कर दिया, कहाँ सुखा देंगे? फिर इंद्र जी ने क्या किया, बहुत बड़ा एक पर्वत बनाया, उसी पर भगवान बुद्ध जी ये वस्त्र यहाँ सुखा दीजिए। दूसरे दिन सुबह भोजन तैयार करके रुवेल काश्यप भगवान बुद्ध के पास आके आ गया। आने बाद बताया, क्या आश्चर्य है, ये पोखर कहाँ से यहाँ आ गया? श्रीमन गौतम जी, कल इधर एक पोखर नहीं था और ये बड़ा पत्थर इधर नहीं था, ये कौन इधर रख दिया? सबसे आश्चर्य बात, ये पेड़ का डांग अभी तक झुका हुआ है, वो कैसे हो गया? जो हवा आने पर भी पेड़ का डांग झुकता नहीं, तथा ये बहुत बड़ा पर्वत कहाँ से आ गया? पर्वत इतना चेंज हो गया कैसे? फिर भगवान बुद्ध जो कुछ हो सब में महा उरुवेल काश्यप को बताया। सोचा, देवताओं भी ये श्रवण गौतम को सेवा करता है, इसका मतलब इतना ही ये श्रवण गौतम श्रेष्ठ उत्तम है, लेकिन मेरे जैसा अरहंत नहीं है। दूसरे दिन भी भोजन तैयार करके भगवान बुद्ध के पास आया, बताया चलिए भोजन करेंगे। इसके बाद बताया, काश्यप आप आगे चलिए, हम पीछे से आएंगे। फिर उरुवेल काश्यप आगे जाने के बाद भगवान बुद्ध तुरंत रिद्धि बल से हिमालय में चला गया। हिमालय में है एक जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ से एक फल तोड़ दिया। जामुन का पेड़ के चलते भारत को जम्बू द्वीप हो गया ना, जम्बू द्वीप, क्योंकि वो पेड़ अभी तक है, वो पेड़ इंडिया में ही है, वो पेड़ इंडिया का छात्र जैसा है, इसीलिए उसी पेड़ जिस देश में उसी देश को जम्बू द्वीप कहता है, वो पेड़ अभी तक है। वो जामुन का पेड़ से एक फल तोड़ दिया, तोड़ के काश्यप आने से पहले भगवान बुद्ध जहाँ आसन है वहाँ आके बैठ गया। तो ये क्या कमाल है, हम आपसे पहले निकल गए थे, आप कैसे मुझसे पहले आ गया? बताया, आप निकलने के बाद हम सीधा हिमालय में गए हैं, ये देखिए हम जामुन का पेड़ से एक फल भी तोड़े हैं। उधर ये बहुत मीठा है, सुगंध है, अगर आप चाहेंगे तो खा लीजिए।
इसके बाद बताया ये तो आप ही लाए हैं इसलिए आप ही खा लीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। फिर सोचने लगा ये सुमन गौतम तो रिद्धिमान है, बल संपन्न है, शक्तिशाली, लेकिन मेरे जैसा अर्हंत नहीं। वैसे एक आंवला तोड़ के लाया, वैसा हिमालय से एक आम तोड़ के लाया, वैसा वैसा किया। फिर और एक दिन भगवान बुद्ध निमंत्रण करने का बताया आप जाइए हम आएंगे। फिर भगवान बुद्ध गए थे साउथ से देवलोक में जा कर के, परसतु एक फूल है सिर्फ साउथ से देवलोक में फरता है, उसमें से फूल तोड़ के वापस काशी पाने से पहले भगवान बुद्ध वहाँ गए। जाने का सोचा हमसे पहले कैसे आ गया, तब बताया हम देवलोक में भी जाके आए हैं फिर भी वो सुधरा नहीं। एक दिन क्या हुआ, उर्वल काश्यप के चेले लोग एक दिन और जटिल लोग के साथ बहुत बड़ा पूजा के लिए लकड़ी काट रहा था। कितना भी काटो कितना भी मारो मारो फिर भी लकड़ी टूटता नहीं है। सभी लोग मारता है सभी लोग सोच में उर्वल काश्यप सोचा ये तो जरूर श्रमण गौतम का कोई ना कोई रिद्धि है। इसके बाद उसी बगल में भगवान बुद्ध आकर के पूछा काश्यप मैं लकड़ी काटूं? ठीक है काट दीजिए। सारी लकड़ी कट जाए ऐसा सोचते ही 500 लकड़ी टूट टूट हो गया। इसके बाद सोच रहा था ये श्रमण गौतम को महान भाव संपन्न है, हम लोग कितना भी मारा फिर भी टूटा नहीं एक भी, एक सोचते ही टूट गया है, ये तो छोटा मोटा नहीं बहुत शक्तिशाली, लेकिन मेरे जैसा अरहंत नहीं, कितना भी शक्तिशाली हो मैं हूँ अरहंत ये नहीं। इसके बाद सभी लोग तैयार हो गया लकड़ी लेकर के अग्नि पूजा के लिए, लेकिन कितना भी जलाए जलता नहीं। सोचा ये भी भगवान बुद्ध की श्रमण गौतम का चीज है, बताया हम आग जला दो, ठीक है जलाइए। फिर भगवान बुद्ध सोच रहे थे सारे आग जल जाए, सभी आग जलना शुरू हो गया। फिर भी सोचा शक्तिशाली है लेकिन मेरे जैसा अरहंत नहीं। अग्नि पूजा खत्म होने के बाद अभी सभी लोग कोशिश कर रहे हैं अग्नि बुझाने के लिए लेकिन बुझता नहीं है। तब सोच रहे थे तो जरूर श्रवण गौतम का आश्चर्य है, तो हम बुझा दें? हाँ बुझा दीजिए। आग बुझ जाए, तुरंत बुझ गया। सोचा ये तो बहुत आश्चर्य है लेकिन मैं अरहंत या अरहंत नहीं है। और एक दिन क्या हुआ, उर्वल काश्यप अपना 500 चेले लोगों के साथ नदी में इस तरफ हम लोग जो जहाँ था ना इसलिए हम वहाँ खड़े थे उसी जगह पे उतर के ठंडा में यानी कि इसी मौसम में पाप धोने के लिए डूब रहा था। अभी वैसे गंगा जी के पास जाके पाप धोने के लिए डूबता है ना, वैसा पाप धोने के लिए सभी लोग डूब रहा था। अरे ठंडा बहुत ठंडा बोल के उसी जगह पे भगवान बुद्ध आया, आकर के अपना रिद्धि बल से 500 क्या बुसरी या बुरसी 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 बना दिया 500 बना के नदी में ही बना दिया। बनाने के बाद सभी लोग अरे क्या आश्चर्य है, इधर एक भी क्या बरसी नहीं था, अभी 500 आके ऐसे आ गया, जरूर ये तो श्रवण गौतम का ही काम है, ये तो श्रवण गौतम कोई छोटा मोटा नहीं है, सर्वशक्तिशाली है, सब कुछ है लेकिन मैं हूँ अरहंत ये अरहंत नहीं है। उस समय बारिश शुरुआत हो गया, कुछ समय बीतने के बाद बारिश से हर जगह भर गया, ये नदी भर गया, उसके कारण ये पूरा हर जगह पानी आ गया, पानी से हर जगह भर गया। भगवान बुद्ध जहाँ आते पूरे एरिया
पानी से ढक गया। भगवान बुद्ध जी अपना रिद्धि बल से जहाँ रहते सिर्फ वहाँ पानी हटा दिया, वहाँ पे पानी नहीं आता है, दीवार बना दिया जैसा, लेकिन दीवार दिखता नहीं, सिर्फ पानी रुका हुआ है, वहाँ पे नहीं आता है। और कहा से दूसरा चा अभी क्या हो गया, पाक का श्रवण गौतम चला गया, बेचारा चला गया। फिर और किसी के साथ एक बोट तैयार करके भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध को बचाने के लिए चिल्ला चिल्ला के आ रहा था, महाश्रमण जी आप कौन हैं, बचाइए, थोड़ा सा आवाज़ दे दीजिए, हम लोग कहाँ गए। आते हैं देख लिया भगवान बुद्ध चक्रवण कर रहे हैं, वो भी पानी के बीच में, कहीं पानी एक बूंदा भी नहीं उनके पास, आश्चर्य हैं। श्रमण गौतम सचमुच में वही आप हैं या कोई देवता है। काश्यप मैं हूँ और कौन। श्रमण गौतम जी इसमें आ जाइए, तो आपको कोई कष्ट नहीं हुआ। नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं है। था सोच रहा सचमुच में आश्चर्य है, श्रमण गौतम जी कोई छोटा मोटा नहीं है, लेकिन महान भाव संपन्न है, लेकिन मेरे जैसा अरहंत नहीं है। भगवान बुद्ध सोच रहे थे मूर्ख आदमी इतना प्रातिहारी दिखाया, कितना 3500। अभी हम थोड़ा बताए हैं 3500 प्रातिहारी दिखाया, तो मूर्ख आदमी 3500 प्रातिहारी दिखाने के बावजूद भी इसका घमंड है, ये अरहंते हम अरहंत नहीं हैं, ये इसका मन में जो नहीं है, वैसे एक अरहंत कैसे आ गया, ऐसे विचार बेकार विचार इसका मन में कैसे आ गया। अब समय आ गया इसको सच सच बताने का। सीधा बताया महाकाश्यप तू बोल रहे ना हमेशा अरहंत है, मैं अरहंत नहीं, सचमुच में तुम तो अरहंत अरहत के बारे में जानता ही नहीं है, अरहत के मार्ग के बारे में भी नहीं जानता है, तो कैसे अरहंत हो जाएगा। ये सुनते ही उर्वेल काश्यप एकदम शोक हो गया, एकदम चौंक गया, तुरंत गिर पड़ा भगवान बुद्ध चरण में, गिर के बताया हे महान ऋषिवर मुझे माफ़ कर दी, मेरे घमंड मुझे बहुत दुख दिया, परेशान किया, आप तुरंत मुझे ये थोड़ा आप पहले क्यों नहीं बताए, अभी हमको सब समझ में आ रहा है, सचमुच मेरे पास कुछ नहीं है, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भी वो रास्ता बताइए। इसके बाद बताया फिर नहीं नहीं काश्यप आप तो 500 चेला लोग का मेन है, इसीलिए अपने चेले लोग के बारे में भी सोचना चाहिए, उन लोगों का विचार के बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उन लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में। हाँ हाँ ठीक है हम आएंगे। जाके बताया आयुष्मान मैं तो श्रमण गौतम के पास चीवर पहनूंगा, अगर आप लोग जो चाहे वो करिए, रहना तो रही जाना तो जाइए, या अलग रास्ता पर अलग रास्ता जा, मैं नहीं जाऊँगा गलत रास्ता पर। बताया हे मेरे आचार्य जी हम लोग तो खबे सोच रहे थे आप ये गलत रास्ता पर जा रहे, इनका रास्ता सही है, हम आपको बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि आप मेरा गुरु जी हैं, इज्जत है हमारे दिल में गुरु के प्रति, इसलिए हम लोग चुप हो गए थे। हे गुरुवर हम सभी लोग दिल से बहुत पहले चला गया, अभी तन मन से भी जा रहे हैं, ऐसे करके सभी लोग खुशी हो गया भगवान बुद्ध के पास चीवर पहनने के लिए। तब सभी लोग अपना बाल सब काट के फेंक दिया नदी में, पूरा वस्त्र सब तपस्या वस्त्र हटा दिया, सभी लोग कहा गया आपके पास हम लोग चीवर पहन के उपसंपन्न होना चाहता हूँ। फिर सभी लोग यही भिक्षु भाव से भिक्षु बन गए। यही भिक्षु मतलब कपड़ा नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं यही भिक्षु मतलब भिक्षु आ जाइए, यही मतलब आइए भिक्षु यही भिक्षु ऐसे बोलते ही अपने आप सारे सब काट, दाढ़ी है तो काट जाता है, चीवर अपने आप आता है, पात्र जो बंती जी के लिए जरूरी सब कुछ अपने आप आता प्राप्त होता है, उपसंपदा भी अपने आप प्राप्त होता है, उसके लिए पुण्य करना जरूरी, उसके लिए एक अलग पुण्य है, हमको याद नहीं क्या पुण्य है। फिर सरस्वती मंदिर के पास है नदी काश्यप का एक चेला पानी में कुछ काम करते समय देख रहा था, मैं उर्वेल काश्यप उधर से तपस्वी का
परिष्कार आ रहा है डहके, दौड़ के जाके बताया, पूरा निकाल दिया। अरे मेरे भाई को कोई ना कोई कष्ट है, पूरा कोई ना कोई कष्ट, चलो चलो करके सभी 300 लोगों के साथ आ गया। तो नदी काश्यप यहाँ आ गया। क्या आश्चर्य, ये तो मेरे भैया भगवान बुद्ध के चेला कैसे बन गया। भैया काश्यप जी, हम लोग का ये जटिलता से भी ज्यादा आपको इतना महान हो गया भगवान श्रमण गौतम का ये प्रवर्जा। बताया, मेरे भाई ये सब बकवास है, फालतू है, बेकार है। क्या प्राप्त हो गया? कुछ नहीं, यही ही रास्ता। ऐसा है तो भैया जो कुछ बताता सब सही है, मुझे भी जरूरत नहीं है। इन लोग भी क्या किया, सारे बाल दाढ़ी सब काट के भगवान बुद्ध के पास जाकर के चीवर पहन लिया। तब भगवान बुद्ध यही भिक्षु बताया, तब सभी लोग भिक्षु बन गए। फिर गया काशी विष्णुपद मंदिर के पास है, वहाँ उन लोग देख लिया आ रहा है सब लोटा, सब तंबाकू, गांजा का पीने वाला और बाल में सब दहके आ रहा है। पाप का कोई ना कोई कष्ट, उन लोग भी आ गया, आके पूरा डांट रहा था, क्या क्या पागलपना हो गया आप दोनों को। फिर बताया, नहीं ये पागलपना नहीं है, हम लोग इतना समय तपस्या किया, कुछ प्राप्त हो गया है? कुछ नहीं, बेकार की रास्ता है। सर्वश्रेष्ठ रास्ता आर्यष्टांगिक मार्ग तथागत के पास है, आइए। उन लोग भी चीवर पहन लिया। इसके बाद सभी लोगों को भगवान बुद्ध जी गया शीर्ष पे ले गया। गया शीर्ष कहाँ है? गया शीर्ष मंगला गौर के पास, मंगला गौर है ना, उसी एरिया में, अभी हिंदू मंदिर है, उस समय गया शीर्ष कहा गया है। वहाँ जाकर के आदित्य पर्याय उपदेश दिया है। आदित्य पर्याय सूत्र उपदेश देकर देने के बाद सभी 1000 1000 तीन बंती जी हैं, सभी बंती जी गण अरहत्व को प्राप्त किया। तो यही चीज हुआ है अभी से 2600 साल पहले इसी जगह पे, वो यही जगह है। समय बदल गया, पर्यावरण बदल गया, नदी बदल गया, उस समय पूरे नदी में पानी आ रहा था, सब चेंज हो गया, लेकिन जगह तो जगह ही अभी तक बचा हुआ है। आप अभी नदी काश्यप का मंदिर था सरस्वती मंदिर के पास, सब खत्म हो गया। अभी सरस्वती माता जी के नाम से माना जाता है वहाँ। गया काश्यप और अरहंत लोग रहते थे विष्णुपद मंदिर में, वहाँ सारे भगवान बुद्ध मूर्ति को हटा के सम्राट अशोक शिलालेख लिख दिया, सारे शिलालेख हटा के एक नया मंदिर बना दिया विष्णुपद नाम से, और उधर मंगला गौरी बना दिया जहाँ भगवान बुद्ध स्नान किया है। वो पोखर का नाम वैतरणी है ना, अभी वेतरनी कहता है, उस समय दूसरा नाम था, उसी पोखर उसी भगवान बुद्ध नहाते थे। सब बदल गया है, लेकिन इतिहास अभी भी साक्षी देता है, सबूत है। तो इसी जगह पे बहुत सारे देवताओं आए होंगे आसमान में, भगवान बुद्ध दर्शन किए होंगे, लाख लाख लोग उरुल काश्यप अरहंत बंती जी इत्यादि, नदी काश्यप गया काश्यप अरहंत बांते जी इत्यादि सारे लोग को सेवा किए होंगे। सभी लोग को खुशी हो गया होगा, बहुत पुण्य किया होगा, उन लोग को पुण्य देकर पुण्य करके देवलोक में गए होंगे, वो देवतंग अब भी होगा। इसीलिए इसके बाद आश्चर्य बात क्या है, उरुवेल काश्यप जी शिष्य अभी राजगीर में चले गए, सभी लोग को डाउट है, ये भगवान बुद्ध उरुवेल काश्यप जी का चेला है या उरुवेल काश्यप जी भगवान बुद्ध का चेला है, कौन है, दोनों का गुरु कौन होगा। तब उरुवेल काश्यप बांते जी को भगवान बुद्ध देख लिया, ऐसे करके बांते समझ गए, जाकर के 7 बार प्रदक्षिणा करके भगवान बुद्ध को नमन किया, हे महान गुरुवर, पूरे देव ब्रह्म मानव जगत में आपके सिवा और कोई गुरु है ही नहीं है, आप फिर बिल्कुल अरहंत, आप फिर सम्यक संबुद्ध, आप फिर विद्याचरण संपन्न धारी, आप फिर सुगत, आप फिर लोक विदु गुणधारी,
आपे अनुत्तरी सारे लोगों को सुधारने वाले, आपे सारे देव मानव का शास्ता, आपे बुद्ध आपे भगवान, से नमन किया। तब समझ गया सभी लोग कि भगवान बुद्ध की चेला है। तो हम लोग जो संगदान भी दिया, अभिज्ञान सुना, सील सुरक्षा किया, ये सारे पुण्य इस आसपास में रहने वाले सभी लोगों को, सभी देवताओं को देते हैं। विष्णु देवराज जी इत्यादि सारे देवताओं को दिव्य आयु प्राप्त हो, दिव्य वर्ण प्राप्त हो, दिव्य सुंदरता प्राप्त हो, दिव्य सुख संपत्ति प्राप्त हो, उनके नाम रोशन, उन सभी देवताओं सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सभी दुख से मुक्त हो जाए। साथ, 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 साथ।